कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी अगर उसमें ये चार कंपोनेंट्स मौजूद हैं। और ये चार कंपोनेंट्स हैं एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों कंपोनेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर्स होते हैं और वो पिलर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिवॉल्व करती है इन चार पिलर्स के अक्रॉस। पहला पिलर जिसका नाम अभी हमने आपके साथ लिखा, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने कोड में से जितनी भी इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करना चाह रहे हैं और अपने यूज़र को सिर्फ और सिर्फ रेलीवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्शन को हम मुराद ये ले सकते हैं कि वी एक्चुअली वॉन्ट टू हाइड द इन्फॉर्मेशन। वेल एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन हाइड जो है वो हम किसी सिक्योरिटी की वजह से नहीं कर रहे होते, बल्कि ये हम इन्फॉर्मेशन इसलिए हाइड कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो आसान बन सके। हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन हिडन है दैट इज़ ऑल इररेलीवेंट फॉर द यूज़र। वो इररेलीवेंट क्यों है? वो इसलिए इररेलीवेंट है क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का एक यूज़र को पता होने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपकी जो एक कार होती है यानी कि गाड़ी, उसके लिए बहुत सारी इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एक यूज़र से हाइड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंजन को चलाने के लिए आपको यहाँ पे एयर और किसी न किसी फ्यूल को मिक्स करके उसको कंबस्ट करना होता है यानी कि उसको जलाना होता है। बट एक यूज़र को इससे कतन कोई कंसर्न नहीं है कि कितनी परसेंटेज ऑफ एयर और कितनी परसेंटेज ऑफ फ्यूल जो है वो मिलके आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर कम्बस्ट हो रहा है। ये सारी इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन हाइड की जाती है यूज़र से ताकि आपका प्रोग्राम जो है उसको आसान बनाया जाए। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू हाइड द इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट ऑल इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ हिडन एंड योर प्रोग्राम बिकम्स ईजी टू यूज़। हम ये भी कह सकते हैं कि इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसलिए हमने हाइड की है बिकॉज वी वॉन्ट ईज ऑफ यूज़ ऑफ आर प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम को आसान बनाना चाहते हैं हमारे यूज़र्स के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा पिलर कहलाता है इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन से मुराद ये है कि आप अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करके रखना चाहते हैं एक कैप्सूल की फॉर्म में। हम यहाँ पे एक किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट यानी कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एंटिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस जो हैं वो आपको बता रही होती हैं कि व्हाट आर दी रूल्स एंड देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस विच आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बेसिकली ग्रुप्ड इनसाइड अ सॉर्ट ऑफ अ कैप्सूल। यानी कि इसके जितने भी फंक्शंस और इसके जितने भी डेटा मेंबर्स हैं जिनको हमने एट्रीब्यूट्स कहा था वो सारे के सारे एक ग्रुप की फॉर्म में पड़े होते हैं। सो दैट एवरी थिंग इज़ एट वन प्लेस, एक जगह पे वो इकट्ठे होके पड़ी होती है। इसको ग्रुप करने के लिए आप देखेंगे ये कि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिक्योरिटी भी मिल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग विच इज़ नोन एज डेटा हाइडिंग। और ये डेटा हाइडिंग एक्चुअली इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि हम एक प्रोग्राम को आसान बनाना चाह रहे होते हैं, बल्कि ये डेटा हाइडिंग जो है वो सिक्योरिटी के लिए ऑटोमेटिकली इनकैप्सुलेशन में आपको मिल रही होती है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते, इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक्सेस स्पेसिफायर की बेस के ऊपर चल रहा होता है। और ये एक्सेस स्पेसिफायर आप आगे जाके देखेंगे कि ये होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे जाके हम देख लेंगे
कि व्हाट इज़ मेंट बाय पब्लिक, व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइवेट एंड व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोटेक्टेड। तो हम करना ये चाहेंगे कि एक सॉर्ट ऑफ कैप्सूल की फॉर्म के अंदर सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को ग्रुप की फॉर्म में सेव करना चाहेंगे, एंड ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन ऑटोमेटिकली हमें वो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है थ्रू द एक्सेस स्पेसिफायर, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में। हमने जिस तीसरे पिलर का जिक्र किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो तीसरा पिलर है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कोड्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं इन सच अ वे दैट देर इज़ सर्टन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लासेस। और ये शेयरिंग होगी इन सच अ वे कि हमारे पास एक क्लास होगी जिसको हम कहेंगे सुपर क्लास, या हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास है पेरेंट क्लास, इसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। और इसके अलावा हम कह देंगे कि एक क्लास हमारे पास है सब क्लास, जिसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है चाइल्ड क्लास। तो ये चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास आपस में किसी ना किसी तरह इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होंगे, और ये शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस जो कि होती हैं हमारे पास पेरेंट क्लासेस, उनको एक्सटेंड कर सकते हैं हम इन सच अ वे कि हमें सारे का सारा कोड जो है वो दोबारा नहीं लिखना पड़ता। तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आखिरी पिलर कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद ये है कि आपके पास एक कोड जिसके अंदर आपने ऑलरेडी उसको एक्सटेंड कर लिया हो, यानी कि आपने उसके अंदर किसी ना किसी तरह इनहेरिटेंस कर ली हो, अब आपको उसके अंदर सर्टन ऐसे कोड्स मिलेंगे, सर्टन ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो कि पेरेंट क्लास में उनकी डेफिनेशन कुछ और होनी चाहिए और चाइल्ड क्लास में उनकी डेफिनेशन कुछ और होनी चाहिए। ये आप कर सकते हैं यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको हम कहेंगे कि आप इसके अंदर रीडेफिनेशन करेंगे ऑफ सर्टन इन्फॉर्मेशन। तो जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को रीडिफाइन कर देंगे तो इसका मतलब है कि उस इन्फॉर्मेशन की एक से ज़्यादा फॉर्म्स मौजूद होंगी आपके कोड में। और इसीलिए जनरली अगर आप किसी को पूछें कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, तो आपको एक बड़ा कॉमन आंसर मिलेगा, एंड दैट इज़ कि पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ ग्रीक वर्ड विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, एंड मॉर्फिज्म जिसका मतलब होता है फॉर्म्स। तो आपके पास एक फंक्शन जिसकी मल्टीपल फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। हम देखेंगे ये कि इस कॉन्सेप्ट के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और ये इंशाल्लाह करेंगे आपके साथ आने वाली वीडियोस में। बहुत शुक्रिया आपका, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।